अरे दोस्तों नमस्कार, दिस इज निर्भय सर, फाउंडर ऑफ जेवीएम एकेडमी। आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग उल के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसके जितने सारे प्रोसेस है उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उल, पहला डेफिनेशन आ रहा है आपके सामने, उल इज द फाइबर डिराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड अदर एनिमल। यानी ये जो ड्राइव होता है किसके, सीप और अदर एनिमल से हम इसको ड्राइव करते हैं। पहला डेफिनेशन ये हुआ। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है कि रिमूविंग द उल फ्रॉम द शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग। क्या किया जाता है कि जो शीप होते हैं या अदर एनिमल होते हैं उनके स्किन से उल निकालने का जो प्रोसेस होता है, उस हटाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। और ये दो तरीके से उल इज डन बाय टू, उल जो है दो तरीके से बनाया जाता है, एक नीटिंग होता है और दूसरा वीविंग होता है। नीटिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक यूजिंग ओनली वन यार्न। जब हम एक ही यार्न का यूज करके क्लॉथ बनाते हैं। फैब्रिक का मतलब याद रखिएगा, फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ। यानी जब एक ही धागा का यूज करके एक प्रकार के नीटिंग बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। उसमें आपका एग्जांपल में नीटिंग का एग्जांपल में क्या आएगा, जींस हो गया, शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया, देखते हैं ना स्वेटर, तो ये सब एग्जांपल है आपके किसका, ये सब आपके एग्जांपल है, शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया और जींस हो गया, ये सब नीटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक यूजिंग ओनली यार्न। जब एक ही यार्न से हम जब फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को नीटिंग बोलते हैं। वीविंग, वीविंग का मतलब होता है कि द बुनाई इसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इन विच टू सेट ऑफ यार्न। जब हम दो यार्न को, दो धागे को एक साथ कंबाइन करके कोई दूसरा हम चीज बनाते हैं तो उसमें वीविंग आता है। वीविंग का आप एग्जांपल समझ सकते हैं चारपाई, जो हम चारपाई नॉर्मली हम बैठने और सोने होने का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो तीन यार्न को साथ में, बहुत सारे यार्न को साथ में मिलकर एक कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। तो वीविंग coat is also example of weaving and also jeans, shirt, sweater are also example of knitting. ठीक है ना, तो ये point समझ गए होंगे। चलिए next slide में चलते हैं और उस slide में इसके process को समझने का कोशिश करते हैं। पहला process इसका आपको पता ही है, shearing, दूसरा process sorting और थर्ड प्रोसेस इसको बोलते हैं रिमूविंग, और आपका फोर्थ डाइंग, उसके बाद फिफ्थ मेकिंग यार्न, वीविंग, नीटिंग, उसके बाद क्लॉथ। तो इसमें जो है बात करें तो आप इसका मतलब तो जानते थे, शेयरिंग, यानी शेयरिंग का मतलब रिमूव करना, आप रिमूव कर लिए शिप से। और उसके बाद सॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना, आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, रिमूविंग यार्न का मतलब होता है कि जब अरेंज कर लिए तो उसमें से एक प्रकार के धागे तैयार करना ताकि जो उसकी बुनाई हो सके और उसको अलग करना। ठीक है, सॉर्टिंग से तो उसको रिमूविंग यार्न हो गया। उसके बाद डाई किया जाता है, जितने धागे जो निकाले जाते हैं उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलरों में, ताकि जो है अलग अलग कलर में, ताकि जो है वो क्लॉथ का अलग अलग कलर बन सके, तो डाई किया जाता है। उसके बाद मेकिंग यार्न, मतलब तो उसके बाद हमारा जो यार्न जो है डाई करने के बाद हमारा नॉर्मली जो धागा है वो तैयार हो जाता है बिल्कुल किसी भी चीज को कपड़े बनाने उड़ाने में, तो मेकिंग यार्न हो गया। उसके बाद वीविंग और नीटिंग, वीविंग और नीटिंग मैंने आपको बताया ही था कि ये भी एक प्रकार के प्रोसेस है। वीविंग का भी मैंने आपको समझाया था कि वीविंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि वीविंग का मतलब ये हुआ कि जब हम दो यार्न को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, और नीटिंग का मतलब ये होता है कि जब एक ही यार्न को हम कंबाइन, एक ही यार्न के थ्रू जब हम क्लॉथ को बनाते हैं। तो नीटिंग में आपको मैंने बताया था कि जींस हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब नीटिंग का एग्जांपल है। और वीविंग का एग्जांपल जो है मैंने आपको क्या बताया था, वीविंग का एग्जांपल कोट हो गया, चरपाई, जो हम अलग अलग प्रकार के तीन चार यार्न, बहुत सारे यार्न मिलाकर हम एक कोट बनाते हैं, तो वो एक प्रकार के वो वीविंग का एग्जांपल है। तो ये आपका, और फिर बाद में जाकर क्लॉथ बन गया। तो ये टोटल प्रोसेस जो हम लोग अभी पढ़े, ये टोटल टोटल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कपड़े बनाए जाते हैं या अदर मटेरियल बनाए जाते हैं थ्रू फाइबर। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।